हेलो भाइयों, कैसे हो यार? आशा करता हूँ अच्छे होंगे सारे के सारे। तो यार, मुझे ट्राया की किट यूज़ करते करते 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है, और ये 2 सीसी मेरे पास है हेयर रश की। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कैसा मेरा 1.5 महीने में क्या इसके रिज़ल्ट आए और क्या इसका साइड इफ़ेक्ट था, क्या फ़ायदा था। तो आज ये ट्राया का फर्स्ट प्रोडक्ट का रिव्यू है। इसके बाद मैं हेयर स्कैल्प ऑयल और मिनी ऑक्सीडल वगैरह का भी करूँगा। मिनी ऑक्सीडल में भी कुछ साइड इफ़ेक्ट मुझे देखने को मिले, सिर में नहीं थे, वो कहीं अलग ही साइड इफ़ेक्ट है। मैं बताऊँगा उसके बारे में, आप कमेंट करके बताना अगर मिनी ऑक्सीडल के रिव्यू चाहिए तो। हेयर रस मैं 1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया और बहुत अच्छा है। इसकी मैं 2 गोली सुबह लेता हूँ नाश्ते के बाद, 2 गोली शाम को लेता हूँ खाना खाने के बाद। अभी मैंने खाना खा लिया लेकिन अभी खाया नहीं है। तो इस पे पीछे लिखा हुआ भी है कि अगर तुम्हें इसे खाने से किसी वजह से एलर्जी होती है या कुछ किसी तरह की अदर चीज़ें देखने को मिलती है, जी मिचलाना, सिर घबराना या कुछ भी चीज़ें, तो इसे इमिडिएटली बंद कर देना है। तो जो लोग ट्राई की किट ले रहे हैं और उन्हें हेयर रस से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ खुजली हो रही है या कुछ कुछ शरीर के ऊपर एलर्जी टाइप की हो रही है, तो तुरंत इसे बंद कर दें और ट्राई के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसमें जो है बालों को मिलने वाले सभी न्यूट्रिशन है, जैसे भृंगराज वगैरह तेल आते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब डिटेल में मुझे नहीं जानना। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको इसके अंदर, जो लोग नए हैं जिन्होंने ट्राई की किट यूज़ नहीं की उन्हें मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर इस तरह की गोलियाँ निकलती हैं, इस तरह की गोलियाँ होती हैं इसके अंदर। तो ये बहुत सही गोली है, मतलब मुझे तो किसी तरह का नुकसान दिया नहीं, जबकि मेरी स्किन भी बहुत सेंसिटिव है। तो आप ले सकते हैं, तो मैं 2 गोली अभी खाने वाला हूँ। ये 2 गोलियाँ ली और इसे सीधा खा लेंगे हम। खाना खाने के 20 मिनट बाद खा सकते हो आप इसे। तो मैंने 2 गोलियाँ खा ली हैं। तो जो लोग सुबह अगर लेट उठते हैं या लेट खाते हैं, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुबह ब्रेकफास्ट के बाद गोलियाँ नहीं खा पाते, हमारा ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है, तो आप 12 बजे भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आपको खाना थोड़ा लेट खाना पड़ेगा, और अगर दोपहर आपने 12 बजे ब्रेकफास्ट किया है, किसी वजह से देर लेट सो के उठे हो, तो 12 बजे खाइए, तो रात को लेट खाना, तो भी आप इसे इस तरह से मैनेज कर सकते हो अपने टाइम को। तो बस यही रिव्यू था, बाकी मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो नए लोग ले रहे हैं, अगर उन्हें स्किन में एलर्जी जैसा कुछ दिखाई देता है, तो तुरंत बंद करने के बाद डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसे खाना छोड़ देना है। उसके बाद डॉक्टर से बात करो, वो आपको बताएंगे सारी चीज़ें। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिनी ऑक्सीडल का रिव्यू देना है मुझे, उससे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। मिनी ऑक्सीडल से मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ट्राया तो ऐसी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ, और इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको देता रहूँगा। ये एक ब्लॉग चैनल मान सकते हैं आप इसे, मैं सिर्फ अपनी खुद से जुड़ी जानकारियाँ यहाँ पे देता हूँ, बाकी अदर चीज़ें मैं कुछ नहीं डालता। और ये मैंने स्पेशली इसीलिए यूज़ किया था कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज भी यूट्यूब पे जिनका रिव्यू नहीं मिलता है, तो मैं अपने वो सारे प्रोडक्ट इस चैनल पर रिव्यू दूंगा, और अदर चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो भाइयों, कैसे हो यार? आशा करता हूँ अच्छे।